नमस्कार, यूपीएससी कनेक्ट में आप सबका स्वागत है। एथिक्स का सीरीज हम लोग कर रहे हैं, एथिक्स के वीडियो सीरीज में, और आज का जो टॉपिक है हमारा वह है प्रोबिटी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें आज का टॉपिक हमारा है प्रोबिटी। अभी तक हमने मतलब एथिक्स को बेसिकली समझने की कोशिश करी है कि ह्यूमंस को लेकर के एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हमने देखा कि ह्यूमंस के अलावा जो है वो एनिमल्स पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस ही करते हैं उसको एथिकल कहते हैं, नहीं कहते हैं, कितना एथिकल है वो। फिर उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ देखे, इंटीग्रिटी देखी, वर्च्यूज़ देखे, एप्टीट्यूड देखा एक पर्सन का जो इन सभी चीज़ों के बीच में सेंट्रिक होता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रोबिटी। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो सबसे पहले तो इंसानों में वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वैल्यूज से ऊपर फिर आपका ऑनेस्टी आ जाता है, फिर उसके ऊपर आ जाता है आपका इंटीग्रिटी, ठीक, और इन सभी से ऊपर आ जाता है प्रोबिटी। इन सभी से जो ऊपर आता है वो है आपका प्रोबिटी। तो प्रोबिटी को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्या है ये? एक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट अधेरेंस। किस चीज़ से? हाईएस्ट प्रिंसिपल ऑफ आइडियल्स। जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं वो वैल्यूज़ जो प्रिंसिपल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो आपके आइडियल्स हैं, आइडियल्स यानी कि इंटीग्रिटी, गुड कैरेक्टर, ऑनेस्टी, डिसेंसी, ये सारे जो है, इन सभी का जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है और वो भी कंटिन्यूटी के साथ, तो उसको हम प्रोबिटी कह सकते हैं, रादर देन अवॉइडिंग करप्ट और डिसऑनेस्ट कंडक्ट। सिर्फ अच्छा, इसको, इसका मेन जो एसेंस है इस पेपर में, एथिक्स के पेपर में, वो है गवर्नेंस को लेकर के। तो एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन कानून में, समाज में तब करते हैं जब किसी चीज़ की कमी रहती है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि जैसे कि जैसे उज्ज्वला योजना आया, ठीक है, या कोई इस तरीके से कोई सब्सिडी आ रही है, तो सब्सिडी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो कॉमन मैन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए सरकार हेल्प कर रही है। तो कॉमन मैन अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इनकम नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। तो प्रोबिटी आने का या इंटीग्रिटी, एथिक्स, इन सबको पढ़ने का या इसके सिलेबस को इंट्रोड्यूस करने का एक मकसद था कि हमने देखा हमारे गवर्नेंस में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो गुड कैरेक्टर हो, ऑनेस्टी हो, डिसेंसी हो, ठीक है, या फिर इंटीग्रिटी हो, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ दिखा है। तो उसको दूर करने के लिए इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया गया है। तो हमारा जो एसेंस है प्रोबिटी का वो है गवर्नेंस को लेकर के, ठीक। तो गवर्नेंस का मतलब कि आप जब ड्यूटी पे होंगे या आप जब किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी प्लान को, पॉलिसी को, गवर्नमेंट की प्लान पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो उस समय आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, आपका कैरेक्टर मेंटेन रहना चाहिए, आपकी ऑनेस्टी बरकरार रहनी चाहिए, आप एक डिसेंट कैरेक्टर को कंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ करप्शन को अवॉइड कर देना कि नहीं मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन दूसरे तरीके से आप अपनी ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि तरीके तो बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मेन एसेंस है हमारा गवर्नेंस को लेकर के। तो प्रॉबिटी बैलेंसेस सर्विस टू द कम्युनिटी अगेंस्ट द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। शुरू से ही बता रहा हूँ कि इसमें आपको, अगर आप सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको अल्ट्रुइस्ट होना पड़ेगा, इवन बिफोर फैमिली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ इंटरेस्ट के से बियॉन्ड जा करके आपको सारी चीज़ें करनी है। अब उसमें अगर आपको ये होता है कि मतलब आपके जान को भी खतरा है तो वो भी आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स, सॉरी, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ रिक्वायर्स एधेरेंस टू हाई मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, डेडिकेटेड एंड सेल्फलेस पब्लिक सर्विस, सेल्फलेस पब्लिक सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है।
एक लाइन में एक ही बात कही जाएगी कि प्रोबिटी वो है कोई भी एक्टिविटी जो कंटिन्यूटी में आपके हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज को मतलब मेंटेन करके रखता है। आप कोई भी काम करें कंटिन्यूटी में अगर आप अपने स्टैंडर्ड को हाई रख रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से ये आप मान सकते हैं। जैसे आई थिंक एक मूवी आई थी रेड, उसमें अजय देवगन जब पार्टी में जाते हैं तो उनको अल्कोहल ऑफर किया जाता है, तो वो इस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं मैं अपने पैसे का ही पीता हूँ। तो आप उसको क्या कहेंगे, वो इंटीग्रिटी है या वो ऑनेस्टी है या फिर वो प्रोबिटी है? वो किसी भी तरीके का फेवर नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि फेवर लेंगे तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको फेवर देने में मतलब हिचक नहीं होगी। तो ये चीज़ है। पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूड नॉट ओनली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट, एंड जुडिशियरी, बट ऑल्सो साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, मेंबर्स ऑफ स्टैचुरी एडवाइजरी बॉडीज एंड इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। Probity has been described as a risk management approach ensuring procedural integrity. It is concerned with procedure, process and system rather than outcome. इसमें result की परवाह नहीं करनी है, आपको बस वो maintain करके रखना है। क्या principles हैं public life में, क्योंकि एक civil servant का most of the जो time होता है उसके उसके career का, उसके life का जो most of the पीरियड होता है वो एक पब्लिक लाइफ में ही स्पेंड होता है। प्राइवेट लाइफ उसकी उतनी होती नहीं है। ऑन एन एवरेज 12-20 घंटे से ज़्यादा जो है वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व ही रहता है पब्लिक लाइफ में। तो प्रिंसिपल्स क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस। इट इज सीना क्वा नॉन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 20th century का जो है वो मतलब 20th century में ये ज़्यादा कंसर्न्ड वर्ड है और उसके बाद का, क्योंकि डेवलपमेंट में हम ये सारी चीज़ें जितनी भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो किसी न किसी तरह के डेवलपमेंट वर्क या तो खुद करेगी या तो किसी के थ्रू कराएगी। जब किसी के थ्रू कराएगी तो उसमें फिर वो गवर्नेंस का काम करती है। जब खुद करती है तो वो तो खुद ही प्लेयर है। वो जब खुद कर रही है, जैसे कि हम ये केस ले सकते हैं कि जितने भी हमारे नौरत्नास थे, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, उन सब में सिविल सर्वेंट्स ही थे, बट वो फिर भी जो है वो मतलब डिक्लाइन ही हुआ। अभी इसके एक इसका कॉमन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक अभी रिसेंट इवेंट ही है कि एयर इंडिया को जो है टाटा ने टाटा को दोबारा दिया गया। तो कुछ समय पहले, और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी डिबेट भी आया, गवर्नेंस को लेकर के डिबेट आया, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के डिबेट आया था जब ये इंसिडेंट इवेंट्स चल रहे थे। तो मेरा हिंट बस इतना है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी काम को कर रही है, वहाँ पर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। तो वो पब्लिक सर्वेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो है वो डिक्लाइन कर रही है। क्यों? टाटा जब इसको रन कर रही थी, वो प्राइवेट एंटिटी थी, वो प्रॉफिट में था, और उसके बाद में कंटिन्यूटी में ये डिक्लाइन में ही चलता गया, जबकि पब्लिक का बहुत सारा पैसा जो है इसमें इन्वॉल्व हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रॉबिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है उन ऑफिशियल्स के द्वारा जो इसको कंडक्ट कर रहे थे। अब अगर कल को जा करके हमें नहीं पता नुकसान में जाएगी या प्रॉफिट में, बट हम ये मान करके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो ये एक्शन है वो इसीलिए लिया गया है ताकि इसको प्रॉफिट में लाया जा सके, और उम्मीद यही है। तो अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब प्राइवेट एंटिटी में जा करके ये प्रॉफिट में जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जो सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो इसको देख रहे थे, जिनके अंडर में था ये, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर कर रहे थे। प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ इज एट द सेंटर स्टेज ऑफ द UN मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये ध्यान रखिएगा, जो ये मिलेनियम गोल्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको अचीव करना पूरे मतलब ग्लोबल एम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
कारण ये है क्योंकि आज की दुनिया जो है वो पूरी की पूरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि किसी भी कंट्री का जो एक्टिविटी है या एक्ट है वो दूसरे कंट्री को इफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंटली। तो जब एक कंट्री या सारी कंट्री जो है वो अपने एक दूसरे को कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर कर रही हैं, तो जब सारी कंट्री एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं तो उसी केस में आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर हम अचीव करते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि कहीं ना कहीं हम अपने अर्थ को सस्टेन करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अ वेल फंक्शनिंग सिविल सर्विस हेल्प टू फोस्टर गुड पॉलिसी मेकिंग, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यूटिलाइजिंग पब्लिक रिसोर्सेज, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो यहाँ से सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना है कि एक गुड गवर्नेंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो एक गुड गवर्नेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव हो, ठीक है, उसके बाद में सर्विस डिलीवरी टाइमली हो और इफेक्टिव हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो पब्लिक का रिसोर्स है वो सही तरीके से, पब्लिक का जो रिसोर्स है वो सही तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुड गवर्नेंस में एक सिटीजन को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, सिटीजन्स की जितनी भी आज के टाइम में अगर हम गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में और सिटीजन को पुट करके अगर देखते हैं तो एक सिटीजन को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उन सभी चीज़ों में मतलब सर्विस डिलीवरी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब सही तरीके से है। सबसे कॉमन एग्जांपल आता है जैसे ही बच्चा 18 साल से ऊपर होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, तो ड्राइविंग लाइसेंस अब अप्लाई तो कर देते हैं, क्या टेस्ट का प्रोसीजर सही है, और ठीक है अपनी जगह पे है सारी चीज़ें, बट हम सभी को मालूम है कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट होता है वो कितना ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, और इसमें कोई प्राइवेट एंटिटी तो है नहीं। तो आए दिन एग्जांपल आता है कि कोई ब्लाइंड है उसको लाइसेंस मिल गया है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब इवन। और आई थिंक खैर स्कूल वगैरह में तो अलग चीज़ है, बट मैं अभी तो हम सिर्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे राशन कार्ड हो गया, किसका बनता है किसका नहीं बनता है, ठीक है, उसके अलावा आपका वोटर आईडी हो गया, ये वो चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में पब्लिक को जो है मतलब पब्लिक यूटिलाइज करते हैं इसको। बैंकिंग सर्विस हो गया, बेसिकली अपने आइडेंटिटी को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं वो डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, क्या उन सभी चीज़ों में इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है। अगर कहीं भी 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये भी देना पड़ रहा है किसी को एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए, एक गाँव में कोई अपने आप को जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा सा गांव है, सरपंच को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए अगर एक पर्सन 100 रुपीज पे करता है जो कि बहुत ही नॉमिनल है, इसको इवन 50 रुपीज भी रख दे तो क्या है, एज एन इंडिविजुअल आज के डेट में 50 रुपीज उस डॉक्यूमेंट के लिए हर कोई देने को तैयार हो जाएगा। बट ये पब्लिक सर्विस है, इसके लिए पे नहीं करना चाहिए। बट इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम सबको मालूम है कि जब तक हम पे नहीं करेंगे हमें टाइमली मिलेगा ही नहीं, दैट्स द इशू। तो इसी चीज से तो वेल फंक्शनिंग सिविल सर्वेंट सर्विस क्या हेल्प करता है, यही हेल्प करता है कि कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग, कुछ ऐसा पॉलिसी बनाया जाए जिससे ये सारी चीजें इफेक्टिव हो। कॉमन मैन को यही चाहिए, और कोई कुछ खास नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, जब बच्चा होता है बड़ा होता है तो उसको एक अच्छा स्कूल चाहिए, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट का काम है कि उस एरिया में जितने भी सरकारी स्कूल है वो उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करे। अगर कोई भी सिटीजन कोई भी उस इलाके का बीमार पड़ता है तो उसको प्राइमरी हेल्थ की जो सर्विस है वो सही से मिलनी चाहिए, जो मेडिसिन है वो अवेलेबल होना चाहिए, हॉस्पिटल तक जाने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए उसके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। उसके अलावा जब वो बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है, कॉलेज से बाहर निकलता है, तो जॉब की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों में कहीं पे उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, लड़के के केस में लूटपाट चीज़ें हो सकती हैं, लड़की के केस में भी हो सकती हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ना हो, ताकि
और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जो पुलिस सर्विस है। अब इनके अलावा गवर्नमेंट से एक कॉमन सिटीजन को और कुछ खास चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बाकी गवर्नमेंट मतलब लोग खुद ही आपस में कर लेते हैं। आप रोड बनाइए, गाड़ियां तो खुद ही लोग निकाल लेंगे सर्विस मतलब चलवाने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ है। अब सब आप आज के डेट में मान लेते हैं कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, आपने देखा कि एक विलेज से एक यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर है और कोई पब्लिक व्हीकल नहीं आती जाती है, कैसे आप एजुकेशन और एनरोलमेंट बढ़ा देंगे? और आपको ये भी मालूम है कि वो पूरा का पूरा जो रोड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना आपका काम है। तो ये जो फंक्शनिंग है ना, वेल फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये इन्हीं सब चीज़ों में हेल्प करता है और आप लोगों का यही काम रहेगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिविल सर्विस वैल्यूज ऑफ इफिशियंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पेट्रोटिज्म, इट इज नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट टू इनकलकेट एंड अडॉप्ट एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इंक्लूडिंग प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड कंपैशन फॉर द डाउन ट्रोडन एंड कमिटमेंट ऑफ देयर वेलफेयर। हालांकि इन सब चीज़ों से को लेकर के हमने काफ़ी जो मतलब बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मूवी बनाई है, इनमें प्रॉबिटी को लेकर के मतलब आत्मसम्मान को लेकर के, इंटीग्रिटी को लेकर के कई ऑफिसर्स का जो है स्ट्रगल दिखाया गया है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 15 भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस दोनों चीज़ों को और उसमें पर्सनल इंटीग्रिटी एथिक्स अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कि एक सिविल सर्वेंट को क्या चैलेंजेस मिलते हैं, ठीक। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस इज द एंटीथेसिस ऑफ करप्शन इन पब्लिक लाइफ, इट इज एम्फेसाइज्ड बाय यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। प्रॉबिटी इज द एविडेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एजेंसीज। मेंटेनिंग प्रॉबिटी इन्वॉल्व्स मोर देन सिंपली अवॉइडिंग करप्ट एंड डिसऑनेस्ट मिसकंडक्ट। अब करप्ट और डिसऑनेस्ट मिसकंडक्ट के अलावा मतलब इसके बियॉन्ड जो है प्रॉबिटी जाती है, कैसे? जैसे कि आपको इनडायरेक्टली मालूम है कि अगर आप ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेप अगर आप लेते हैं तो इसमें आप पैसे तो नहीं लेंगे, लेकिन इसमें समाज के बहुत सारे ऐसे पीपल होंगे, ठीक है, जो इसका फायदा उठा करके और गलत तरीके से इसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। तो आप इस तरीके की पॉलिसी के मतलब पॉलिसी को लेकर के ना आगे बढ़ें, तो ये भी एक प्रॉबिटी का काम है। जैसे मान लेते हैं कि रिजर्वेशन का एक इशू है, बहुत डिबेट उठता है, आपके हाथ में आ जाए कि दो चीज़ें डिसाइड करनी है कि रिविजन कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। अब इसमें पब्लिक को भी समझाना है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे अगर आप रिविजन हटा देते हैं, सॉरी रिजर्वेशन आप हटा देते हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है उसको डायरेक्टली कुछ नहीं मिलने का आर्गुमेंट मिल जाएगा कि है ही नहीं रिजर्वेशन तो क्यों करें। अभी क्या है, अभी एक कॉमन सा प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये है तो इसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहते हुए भी लोगों को इंक्लूड करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा कोई अपर बॉडी ऐसा है जो नहीं चाहती एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, बट वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकती है, क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन है, लीगैलिटी है, बाउंड किया गया है। तो ये बहुत सारा डिबेट आता है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। अब ये तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो ये रिजर्वेशन वाला इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए पब्लिक डोमेन में इसको डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रोविज़न था कि 10 ईयर्स के बाद इसको रिन्यू किया जाएगा, जो कि कंटिन्यूटी में रिन्यू होता आया है और सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक मत से इसको रिन्यू करती है, और उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कई पॉलिटिकल पार्टीज इसको टाइम टू टाइम अपोज करती हैं और फिर सपोर्ट भी करती हैं। तो ये एक अब प्रॉबिटी आ जाती है। अगर हम प्रॉबिटी की बात करें तो मेरे पर्सनल हमारा खैर कॉन्टेक्स्ट तो गवर्नेंस का है, बट ये इंसान के लेवल पे भी होना चाहिए, ये पर्सनल लेवल पे भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर आप एक अच्छे कंट्री, एक अच्छे नेशन का डेवलपमेंट चाहते हैं, एक अच्छे सिटीजन्स में, सिटीजन में मतलब लोगों को डेवलप करना चाहते हैं, तो प्रॉबिटी जो है वो पर्सनल लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन से जैसे आप होंगे उसी तरीके से आप एक्ट करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ऑनेस्टी मेंटेन करते हो और पब्लिक लाइफ में जा करके एकदम से डिसऑनेस्ट हो जाए। तो ये ड्यूअल करेक्टर बहुत मतलब इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रॉबिटी के प्रिंसिपल्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो प्रॉबिटी में हमें फॉलो करने होते हैं। नाउ अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू बी एबल टू एक्सप्लेन और अकाउंट फॉर द वे ड्यूटीज हैव बीन परफॉर्म्ड। आपने किस तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट शुड हैव अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म इन प्लेस टू शो दैट दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रैक्टिसेस एंड डिसीजन। किसने क्या किया है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। इसलिए हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा होगा कि हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो ना कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो। अब अकाउंटेबिलिटी मेजर करना है तो कैसे, नंबर से तो करेंगे तो फिर वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। ट्रांसपेरेंसी, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल सो दैट ऑल स्टेक होल्डर्स कैन हैव कॉन्फिडेंस इन देयर आउटकम। सेकेंडली, ट्रांसपेरेंट एंड ओपन प्रोसेस ऑल्सो मिनिमाइजेज द अपॉर्चुनिटी फॉर एंड द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन। चुपके चुपके कोई भी काम करोगे, ठीक है, अब चार पांच दोस्तों का ग्रुप है, उसमें एक दो लोग जो है कुछ और काम कर रहे हैं, वो बाकियों से छुपाना चाहते हैं, तो आप खुद ही सोच करके देख लो कितना चैलेंज होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने हमारे लीडर्स जो हैं या जो भी ये सिविल सर्वेंट्स हैं या जो बड़े मतलब बिग बुल्स जो हैं सोसाइटी के, जितना दिमाग और जितना मतलब फोकस वो करप्शन करने और उसको फिर हाइड करने में लगाते हैं, अगर उससे थोड़ा सा मतलब कम दिमाग लगाएं तो ऑनेस्टी से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। क्या ही गलत है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप लाखों की मेहनत, आप लाखों का सैलरी है आपका, अगर उस लाख रुपए की सैलरी से 50% आप अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? आप तो अकाउंटेबल होंगे, आप तो शो कर सकते हैं किसी को भी, देख लो आज तक हमने इतना कमाया है, इतना इन्वेस्टमेंट है, वो उसका प्रॉफिट है, नथिंग फ्रॉम मतलब बाहर से कुछ भी नहीं है मेरा। तो ये एक पर्सनल लेवल पर होता है कि जब वही चीज़ है जो कृष्णा कहते हैं कि अगर आप सच के साथ हैं तो फिर आपको आपको भय नहीं आता है, तो सीधी सी बात है। और पर्सनल लेवल पे होगा तो वो बाकी चीज़ें आपकी हर एक्टिविटी में दिखेगा, तो आपकी पब्लिक लाइफ जो कि 18-20 घंटे की होगी उसमें भी वो आपको आपको शो करेगा ही करेगा। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी, एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल पब्लिक सर्वेंट्स आर अंडर अ जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू देयर एम्प्लॉयर। तो ये जो एम्प्लॉयर है वो और कोई नहीं होता, गवर्नमेंट होती है। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एडवाइजर्स, मेंबर्स एंड एनी अदर ऑफ थर्ड पार्टी दैट इज पार्ट ऑफ कॉमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मस्ट प्रोवाइड अ फॉर्मल अंडरटेकिंग टू गवर्नमेंट दैट विल कीप दिस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। तो ये चीज़ है।